जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विशेष सत्र है वो आज से शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और पूरे दिन आज जैसे कि जानकारी में हमें मिली है कि आज पूरे दिन जो संविधान और भारतीय लोकतंत्र का विकास रहा है, 75 साल के जो भारतीय लोकतंत्र का विकास रहा है उस पर चर्चा होगी। तो साफ तौर पर सत्ता पक्ष की ओर से भी इसमें कहा जाएगा कि आखिरकार जो 75 साल बीते हैं उसमें भारतीय लोकतंत्र में कैसा रहा है, कितनी तरह मजबूती मिली है, इसको लेकर के चर्चा होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जब चर्चा होगी तो संविधान सभा के निर्माण को लेकर के भी चर्चा होगी कि संविधान सभा में आखिरकार किस तरह से निर्माण हुआ। इसके बाद जो है वो कल जो है जो कार्यक्रम बताया जा रहा है कल जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, पुराने पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में जाया जाएगा और अभी तक का जो बिजनेस है उसमें 4 बिल जो है वो लाए जाएंगे। लेकिन ये जो बिल है वो रेगुलर बिल है जिनको पास करवाने में सरकार के पास बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कि 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का यह सेशन जो है वो अब रखा गया है और अगर इन जो मौजूदा बिल के बारे में बात करें तो उसके अतिरिक्त भी सरकार के पास कम से कम 2 दिन का समय बचता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार जो है वो सप्लीमेंट्री माध्यम से कुछ और बिल जो है वो ला सकती है और इंट्रोड्यूस कर सकती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने कई लोगों से बात की, राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों से भी बात की, सरकार के मंत्रियों से भी हमने बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं और निश्चित तौर पर यहां पर सरप्राइज को लेकर के भी कुछ जो चीजें हैं वो आएंगी। तो निश्चित तौर पर जब यह सदन में शुरू होगा, सत्र में शुरू होगा और हमें तब शुरुआती दिनों में 1-2 दिन जो पहला जो दिन होगा वो संविधान की यात्रा, भारतीय लोकतंत्र की यात्रा पर चर्चा होगी और उसके बाद दूसरे दिन शिफ्ट में होने पर कि नए पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो शिफ्ट होंगे।